वैशाली जिले में एक के बाद कई व्यवसायियों से फोन पर रंगदारी मांगने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने इस गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से एक देशी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और 2 चाकू बरामद किया है। हालांकि इस गिरोह का मुख्य सरगना निरंतक उर्फ दानी है, जो फिलहाल कोलकाता जेल में बंद है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की योजना बना ली है। इस बाबत जिले के नए पुलिस कप्तान कार्तिक शर्मा ने बताया कि सदर थाना क्षेत्र के मदारपुर निवासी एक व्यक्ति से व्हाट्सएप कॉल पर अपराधियों ने 25 लाख की रंगदारी मांगी थी, जिसको लेकर एक टीम का गठन किया गया था। जांच के दौरान यह पता चला कि कोलकाता जेल में बंद निरंतक उर्फ दानी इसका मास्टरमाइंड है। उन्होंने बताया कि इसी गिरोह ने इससे पहले भी 2 व्यवसायियों से रंगदारी मांगी थी और फायरिंग भी की थी, जिसमें कुछ अपराधी पहले भी गिरफ्तार किए गए हैं। एसपी ने बताया कि मुख्य संलग्ना निरंतक पर बिहार के साथ साथ बंगाल में भी कई मामले दर्ज हैं और बिहार का वह मोस्ट वांटेड अपराधी है। 4 तारीख को एक घटना हुई थी कि एक कारोबारी को व्हाट्सएप से फोन आया था और उनसे रंगदारी की मांग की गई थी और उनको धमकी दी गई थी कि उनपे गोली चलवाई जाएगी, नहीं तो पैसे देने के लिए। इसी के क्रम में एफआईआर दर्ज किया गया था और इस पर एक टीम बनाई गई थी, क्योंकि बहुत ही गंभीर मामला था तो इस पर स्पेशल टीम बनाई गई थी। इनके द्वारा इस पर कार्रवाई की गई तो इससे पता चला कि ये जो रंगदारी की मांग की गई थी वो निरंतक के द्वारा कलकत्ता जेल से मांग की गई थी और जिन लोगों के साथी की मदद ली गई थी उन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें इस पूरे टीम के जो लोग थे 5 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, साथ ही में उनके पास से हथियार बरामद हुए हैं, चाकू वगैरह बरामद हुए हैं और जो एक व्यक्ति इसमें नवीन करके उसके ऊपर पूर्व का भी इतिहास था, वो वांटेड भी चल रहा था हम लोगों के यहाँ। तो जो इस तरह की धमकी वाली मांग हुई थी उस पर हम लोग कार्रवाई करते हुए यहाँ के जो लोकल थे उनको पकड़ लिया गया है और जो इसका मेन संचालन करता था उस पर भी हम लोग कार्रवाई के लिए आगे कार्रवाई कर रहे हैं। जेल में कौन है मुजरिम? निरंतक नाम का व्यक्ति है वो और जेल में वो अभी कलकत्ता के जेल में बंद है वो और वहीं से ये किया गया था पूरा उसके द्वारा और उससे हम लोग आगे फिर कार्रवाई कर रहे हैं। इस मामले में वो बहुत सारे मामलों में है, वो वहाँ पे बंगाल पुलिस के द्वारा भी केस वांटेड है, बिहार में भी कई केसेस में वांटेड है। इस मामले में कोर्ट में भी कुछ लोग जेल गए थे? जी बिल्कुल, इसमें पहले भी जेल जा चुके हैं। इस तरह की जो घटनाएं हुई थी पहले जो गोली चली वगैरह थी उस पर भी, तो बीच में कुछ दिन तक था, फिर इसका ये लोग जो नए लोग आए थे इन लोगों के पे भी कार्रवाई की गई है। उसमें हम लोग पूछताछ की है, इसमें इन लोगों की भूमिका पाई गई है, उसमें उसका हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं।